जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 113 का प्रश्न नंबर 19। ये प्रश्न मैंने पहले भी सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे 26,250 के जगह 25,250 गलती से लिखा गया था, तो गलती हो गया था, तो वहाँ से मैंने उसको डिलीट कर दिया है और इसको फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,250 है, यदि वार्षिक 4% के दर से जनसंख्या बढ़ती है तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगले वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करेंगे। देखिए इस तरह से, तो हम लोग इससे बता लेंगे कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,250 है, अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी। तो 26,250 प्लस 26,250 का 4%, ये 4% जो आएगा वो, और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 26,250 प्लस 26,250 गुणे 4% का हो जाएगा 4/100। 4 से ये कटेगा 25 बार में, और 25 से इसको अगर काटते हैं तो 25 एकम 25, एक बार में ये कटेगा लेकिन एक बच जाएगा। फिर इसको ले लेंगे तो 12 होगा, तो 12 25 के पारा में नहीं आता है, तो 0 यहाँ बढ़ाकर इसको भी लेंगे 125, तो 25 5 125। फिर ये 0 बच गया तो इसके पारा में नहीं जा रहा है, तो 0 यहाँ बढ़ा के छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आएगा ये प्लस ये जोड़ देंगे, 26,250 प्लस 1,050, टोटल हो गया 27,300। इस तरह से, ठीक है। अब ये तो अगले वर्ष का था, इसके अगले वर्ष अर्थात 2 वर्ष लिखेंगे, उसके अगले वर्ष अर्थात 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर अब 27,300 प्लस 27,300 का 4% ही बढ़ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 27,300 प्लस 27,300 गुणे 4/100। अब ये 100 से इसको काटेंगे तो 2 0 ख़त्म। अब ये और ये गुणा करेंगे और ये पूरा रह जाएगा 27,300 प्लस 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 7 28 और 29 का 9 हाथ में 2, 4 2 8 और 2 10, दोनों को जोड़ देंगे तो 92 3 8 2, 28,392। 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या रहेगी और अगले वर्ष ये जनसंख्या रहेगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है कि वीडियो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।